के बाद बीजापुर की जहां आईडी में विस्फोट हुआ है, विस्फोट में एक जवान के जख्मी होने की खबर है। नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट यहां पर किया है। घायल डीआरजी जवान का नाम लच्छू था। घायल जवान का इलाज जारी है। नेशनल पार्क एरिया में सर्च के दौरान यह विस्फोट आईडी में हुआ। नारायणपुर से बड़ी खबर है, जहां आईडी ब्लास्ट में दो जवान घायल हो गए। आईटीबीपी के दो जवान घायल हो गए। हालांकि जवानों की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। कुतुल और मोहंदी के जंगलों में ब्लास्ट हुआ। नक्सलियों ने यह ब्लास्ट किया था। बात सुकमा की करते हैं, जहां जवानों ने स्नाइपर जैकेट बरामद की है। नक्सलियों से पहली बार यह स्नाइपर जैकेट मिली है। डीआरजी कोबरा जवानों को कामयाबी मिली है। साथ ही भारी मात्रा में डंप की गई सामग्री भी बरामद की है। कंगाल तोंग इलाके में जवानों ने यह कार्रवाई की है। छत्तीसगढ़ में एनआईए के सर्च ऑपरेशन के दौरान कई जगहों पर आईडी ब्लास्ट की एनआईए जांच कर रही है। विधानसभा चुनाव के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ था। आईडी ब्लास्ट की जांच के सिलसिले में एनआईए की टीम यहां पर सर्च चला रही है। तो एनआईए का यह सर्च ऑपरेशन छत्तीसगढ़ में नक्सली एरिया में देखने को मिल रहा है। आईडी ब्लास्ट की एनआईए जांच कर रहा है। विधानसभा चुनाव के दौरान आईडी ब्लास्ट हुआ था। दुर्ग में पानी और सफाई के लिए प्रदर्शन यहां पर किया है। नगरपालिका के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया गया। लोगों ने कचरा डालकर विरोध किया। नगरपालिका अध्यक्ष सीएमओ का इस्तीफा मांगा। जामुल के लोग लंबे समय से परेशान हैं। रायपुर में गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई का स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। गंगा जल और नींबू मिर्च लेकर डीईओ दफ्तर पहुंचे। तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से यहां पर प्रोटेस्ट किया गया है। ये उन स्कूलों के खिलाफ प्रदर्शन है जिन स्कूलों को मान्यता नहीं मिली है। एनएसयूआई छात्रों ने यहां पर प्रदर्शन किया है इन स्कूलों के खिलाफ। तो चाहे यूपी की बात की जाए तो वहाँ पे प्ले स्कूल खोलने के लिए सरकार से मान्यता लेने की जरूरत है। तो हम उसी नीति को यहाँ छत्तीसगढ़ में लागू करने की बात कर रहे हैं कि जब ये मान्यता प्राप्त हो जाएंगे तो ये जो नियम है उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि एक प्ले स्कूल है जो दो घरों में खुल जाते हैं, उनका कोई प्ले ग्राउंड नहीं रहता, जबकि प्ले ग्राउंड के लिए 320 फीट वर्ग फुट की जरूरत पड़ती है। तो ये सब जो नियम है फुलफिल करेंगे तो प्ले स्कूल की मान्यता मिलेगी। बिना मान्यता की प्ले स्कूल चल रहे हैं, एक मोटी फीस ले रहे हैं, इसके खिलाफ हम लगातार कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिलासपुर से खबर है, जहां डॉक्टर पर 10,000 का जुर्माना लगाया गया है। नाली में मलबा डालने पर कार्रवाई की गई। जल भराव रोकने में प्रशासन जुटा हुआ है। शहर में जल भराव की समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जताई है। तो डॉक्टर पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। नाली में मलबा डालने पर यह कार्रवाई की है। जलभराव रोकने में अब प्रशासन जुटा हुआ है। शहर में जलभराव की समस्या को लेकर हाईकोर्ट ने भी नाराजगी जाहिर की है।
बिलासपुर में बुधवार को हुई बारिश के बाद पानी जमा होने का मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने शहरी प्रशासन, विकास सचिव और निगम कमिश्नर को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है, साथ ही इससे बचने के लिए किए गए कार्यों की जानकारी मांगी है। बिजली व्यवस्था को लेकर भी हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने होर्डिंग की वजह से बिजली बाधित होने पर जवाब मांगा है। बिलासपुर में जल निकासी की व्यवस्था खराब होने की वजह से हर साल बारिश में सड़कों पर पानी जमा हो जाता है। धमतरी की बात करते हैं, जहां पर निगम का बुलडोजर चला है। सरकारी जमीन पर प्राइवेट स्कूल ने कब्जा किया हुआ था, निगम ने यहां से अतिक्रमण हटा दिया है। लोगों की शिकायत के बाद निगम ने कार्रवाई की है। जगदलपुर की बात करते हैं, जहां करोड़ों के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज बनाकर करोड़ों के प्लॉट काट दिए। फर्जी नक्शा बनाकर एयरपोर्ट के पीछे की जमीन बेच दी। आरआई और पटवारी की मिली भगत से यहां करोड़ों का फर्जीवाड़ा हुआ है। पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। आरआई और पटवारी को नोटिस जारी किया गया है। हमारे तक पहुंची थी, जिसका जांच कराने के पश्चात संबंधित लोगों के खिलाफ शोकॉज नोटिस जारी किया गया था। और इस बीच में एक शिकायत का कॉपी जो है पुलिस प्रशासन के पास भी पहुंची थी, और उन्होंने भी अपने स्तर पर जांच कराने के पश्चात संबंधित जो लोग हैं जिन्होंने भी इस पूरे कुटरचना के तहत इस काम को अंजाम दिया है, उन सभी के खिलाफ FIR हुआ है। और चूँकि अभी FIR हुआ है तो मैं चाहूँगा कि न्यायालय इसको संज्ञान में लेंगे और आगे की कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। पटवारी और RI थे वो भी इसमें सम्मिलित उनका होना पाया गया था। FIR दर्ज होने के समय से ही ये सारे आरोपी, क्योंकि जांच के दौरान इनको शायद भनक लग गई थी और इस वजह से ये लोग तब से फरार हो गए थे। हम लोग फरार आरोपियों की तलाश कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द उनको पकड़ लिया जाएगा। बलौदा बाजार की घटना की जांच के लिए BJP ने भी समिति बनाई है। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने 5 सदस्यीय जांच समिति बनाई है। मंत्री दलाईदास बघेल समिति के संयोजक बनाए गए हैं। मंत्री टंकराम शिवरतन शर्मा, नवीन माकंडे, रंजना साहू को समिति का मेंबर बनाया गया है। 5 सदस्यीय समिति जांच समिति बनाई गई है। बलौदा बाजार में भी जो घटना घटी है वो तो दुर्भाग्यजनक है। इस तरह से पहली बार घटना घटित हुई है कि मतलब कलेक्ट्रेट में तोड़फोड़ हुआ है, और इसके लिए पार्टी के तरफ से भी एक जांच कमेटी का गठन किया गया है। वो लोग जांच करके रिपोर्ट पार्टी को सौंपेंगे। वहीं बलौदा बाजार के दौरे पर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल, दीपक बैच, चरणदास महंत का दौरा है। कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस का निरीक्षण किया। सोमवार को प्रदर्शन के दौरान बवाल हुआ था। तो कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे यहां पर। भूपेश बघेल, दीपक बैज और चरणदास महंत का दौरा, कलेक्ट्रेट और SP ऑफिस का निरीक्षण किया है। नवनिर्वाचित BJP सांसद बृजमोहन अग्रवाल के विधायक पद से इस्तीफा देने से पहले ही सियासत शुरू हो गई है। पूर्व मंत्री कवासी लखमा ने तंज कसते हुए कहा कि BJP में अंदरूनी खींचतान शुरू हो गई है। कहा कि बृजमोहन अग्रवाल खुद को छत्तीसगढ़ का डॉन समझते थे, लेकिन अब डॉन बिल्ली बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का आंदोलन मामला चालू हो गया है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को ना गार्ड का ना क्या बोलते हैं घर का इस टाइप का हो गया, लेकिन बेचारा क्या कर सकता है। तो आप छत्तीसगढ़ का डांस समझता था,
लेकिन वो डांड को अभी बिल्ली बना दिया गया है। जीएसटी कलेक्शन पर छत्तीसगढ़ स्टेट हो गया है। समय पर जीएसटी का भुगतान न करने वाले कारोबारियों पर सख्ती की जाएगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये अपील की है। ईमानदारी से करें जीएसटी का भुगतान, खर्च के अनुपात में जीएसटी नहीं मिलने पर सख्ती की जाएगी। रायपुर में सिटी सेंटर मॉल बंद किया जाएगा। ट्रेजर आइलैंड मॉल के काम पर रोक लगेगी। महापौर ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। निगम के 40 करोड़ के टैक्स बकाया होने की बात कही। निगम को टैक्स नहीं मिलने से नुकसान हो रहा है। माननीय कलेक्टर महोदय के पास में आए थे और उन्हें हमने निवेदन किया है कि इसमें जो भी आप नियमितीकरण की उन्होंने जो फाइल चली है, नियमितीकरण को लेकर जो बात कही है, उसमें पूरी तरीके से रोक लगाया जाए। और क्योंकि रायपुर नगर निगम को इसमें 40 करोड़ रुपया मिलना है, और सबसे पहली बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को कहते हैं कि महापौर को जानकारी, भैया जब आचार संहिता चलेगी, आचार संहिता के बीच में अगर सब फाइलें चलकर वहां तक पहुंच जाएगी तो हमें कैसे जानकारी। महापौर एजाज डेवर जी आए थे, उन्होंने जोरा स्थित जो ट्रेजर आइलैंड है और सिटी सेंटर माल का नियमितीकरण न करने के संबंध में ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि उसमें बहुत सारा टैक्स बकाया है, जब तक टैक्स का मामला क्लियर न हो जाए उसका नियमितीकरण कर, और ज्ञापन लिया गया और इसके संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत करा दिया गया। कांकेर से खबर है कि कांकेर शहर में 24 घंटे से पानी की सप्लाई बंद है। प्लांट के 3 मोटर पंप खराब हुए हैं। रात तक मोटर पंप ठीक होने की संभावना है। वार्ड में टैंकर से पानी की सप्लाई की जाएगी। वोल्टेज में काफी फ्लक्चुएशन हुआ जिसके कारण से हमारे चलते हुए पंप जो है पूरे बंद हो गए, और अभी हमारे लेबर आए हुए हैं, टेक्नीशियन आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं। संभवतः जो है आज रात में या कल दिन में अगर मान लीजिए कोई सामान की ज़रूरत पड़ी और अपने को बाहर से मंगवाना पड़ा रायपुर वगैरह से, खुलने के बाद पता चलेगा, और ऐसी स्थिति में कल तक वैसे नॉर्मल हो जाने की संभावना है। और आइए अब देखते हैं।